हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था? हमारा जो पिछले लेक्चर में था, हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। अगर आपको जो ये वीडियो है इनके सारे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है क्लास 12th मैथ एंड फिजिक्स। यहाँ पर हमें फ्री क्लासेज है, वीडियो प्लस नोट्स दोनों मिलेंगे आपको। हमारे ग्रुप का लिंक है @SachinMathClasses। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से, आपको इस ग्रुप से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। हमारा जो मतलब जो चार्जेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है, हमारे अलग अलग चार्जेस दे रखे, क्या वन, क्या टू, क्या थ्री, क्या एन तक, ये क्या हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर हम पढ़ेंगे हम अगला कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फोर्स भी निकाला था, कूलम्स फोर्स निकाला था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी निकाला था और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी निकालेंगे। तो आज हम क्या निकालेंगे, हमने पहले फोर्स निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैन बी फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने फोर्स निकाला था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, वो किसका था, ये फोर्स का था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर अज्यूम टू बी रेस्ट। क्या बोल रहा है कि हम जैसे फोर्स में था, फोर्स में क्या था, हम टोटल फोर्स क्या थी हमारी किसी चार्ज पर, हमारे जो अलग अलग चार्ज थे उनकी वजह से फोर्स थी, उनका क्या था, वैक्टर सम था। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी पॉइंट पर ग्रुप चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज पर, वो क्या होगी, वेक्टर सम होगी। वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली, मतलब कि जो हर एक एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। हमारा फोर्स भी यही था, फोर्स भी क्या था, टोटल फोर्स क्या था हमारा, जो अलग अलग चार्ज की वजह से फोर्स हो रहा था उसका क्या था, वेक्टर सम था। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, वेक्टर सम होगा जो हर एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम कंसिडर दैट एन पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 है, Q1 हमने Q1 चार्जेस मान लिए, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस इन ए डिस्क्रीट मैनर। क्या है, सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उन चार्जेस का। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमें क्या निकालना, हमने एक पॉइंट पी मान लिया जहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से। फॉर दिस प्लेस ए वेनिशली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। हमें क्या करना है, हमें क्या किया, जो पॉइंट पी है हमारा, ये डायग्राम हमारा, इसमें क्या है, सारे चार्जेज है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू वन, सारे चार्जेज है, तो इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट पी पे निकालना है। तो क्या करेंगे, एक चार्ज प्लेस कर देंगे हम पॉइंट पी पर, एक टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नेट्यूड बहुत ही स्मॉल होगा, उस पर वहाँ पे पी पॉइंट पे क्या कर देंगे, क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्यू नॉट चार्ज पर इन सब चार्जेस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है वो निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे इन सब चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर हमारा फोर्स क्या आ रहा वो निकालेंगे। सपोज दैट द चार्जेस क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू एन एग्जर्ट फोर्सेज एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ टू, एफ एन ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। हमारे क्या है, जो चार्जेस क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री, ये सारे जो चार्जेस, ये क्या क्या फोर्स लगा रहे हैं हमारे, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, अप टू एफ एन, जो इन चार्जेस की वजह से हमारे क्या फोर्स लगा रहे हैं, एफ वन, एफ टू, ये सारे फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक, अब टोटल फोर्स क्या होगा हमारा, इफ एफ वाई इज द फोर्स ड्यू टू द आई एच चार्ज क्यू आई ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, दैन हमारा क्या है, एफ आई क्या होगा हमारा, जो क्यू आई चार्ज पर, क्यू आई चार्ज की वजह से क्यू नॉट चार्ज पर हमारा फोर्स क्या होगा, एफ आई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आई क्यू नॉट डिवाइड बाई आर आई स्क्वेयर आर आई।
का यूनिट वेक्टर यहाँ पे आर आई क्या है, आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम द आई एच चार्ज क्यू आई, जो हमारा क्यू आई चार्ज है उससे क्यू नोट का के बीच के डिस्टेंस है दोनों के। तो हमारी लग हमें क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया आई चार्ज पर। हमें से ये आई है, आई की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो 1 चार्ज की वजह से आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरे चार्ज की वजह से आ जाएगा। तो हमारे अब ये क्या निकाल लिया हमने, फोर्स निकाल लिया। तो इसकी वजह अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए था, हमारा फोर्स आ गया। अब क्या निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आई एच चार्ज क्यू आई एट द ऑब्जेक्शन पॉइंट पी इज गिवन बाई, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, ई आई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 एफ आई डिवाइड बाई क्यू नोट। क्या था हमारा जो एक्सपीरियंस फोर्स था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से, वही क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये डेफिनेशन थी हमारी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्या आएगी, लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 1 अपॉन क्यू नोट। अब फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आई क्यू नोट अपॉन आर आई स्केयर, और आर आई यूनिट वेक्टर। तो हमारी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, क्यू नोट है, क्यू नोट से कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू नोट ही नहीं है तो हमारी लिमिट भी नहीं रहेगी, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आई अपॉन आर आई स्केयर आर आई यूनिट वेक्टर। ये हमारी आई एच चार्ज पर, आई एच चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम करने का, हमने क्या Q1, Q2, Q3 सारे चार्जेस प्लेस कर रखे, तो उनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2 अप टू EN ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2, Qn एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू देम। क्या है जो हमारी ये क्या थी, आई एच चार्ज पर निकाली। अब इस आई एच चार्ज की वजह से निकाली, अब आई की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, E1 भी आ जाएगी हमारी, E2 भी आ जाएगी, इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू आ जाएगी हमारी ई की। तो अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कह रहा था, ई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से क्या आएगा हमारा, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस EN अप टू ये EI E3 अप टू EN होगा। मतलब क्या है, जो भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उनका क्या करेंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन था। तो क्या आएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, समीशन लगा देंगे हम आई, आई की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से लेके N तक होगी। और हमारा क्या है, ई आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू N क्यू आई अपॉन में आर आई स्केयर आर आई यूनिट वैक्टर। ये क्या आ गया हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ड्यू टू जो ग्रुप था हमारा, जो सिस्टम ऑफ चार्ज था उसकी वजह से हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू नोट चार्ज पर। यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई वेरिएबल है, इसको 1 भी पुट कर सकते हैं, 1 आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से N तक है। तो क्या होगा, यही ये लिखा दोनों सेम चीज़ है, तो क्या होगा E1 भी आ जाएगी, E2 E2 3 किसका सब सबका क्या हमारा सम हो गया। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई आई इज इक्वल टू 1 टू N क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वेयर और आई आर का आर आई का यूनिट वेक्टर। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, मतलब कि जब हमारे चार्जेस डिस्क्रीट मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या वो क्या बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब हमारा अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमने अभी क्या पढ़ा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से पढ़ा था। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फोर्स में क्या था, फोर्स में भी हमारे 3 केस थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा हमारे, यही 3 केस हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके सिर्फ सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। मतलब कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा पॉइंट, एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उस पर हमारा फोर्स कितना आ रहा है पहले वो निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन आर ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एल हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेंसिटी क्या ले रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ रही थी, उसको किससे डिनोट किया था हमने, लैम्डा से किया था। तो हमारा फोर्स क्या आया था वहाँ से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन अप टू एल, ओवर लेंथ पूरी लेंथ का करेंगे, लेंथ कितनी अपनी एल है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन अप टू एल होगा, लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर आई मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर माइनस आर डैश का
ये क्या हमारा वेक्टर है, तो ये क्या था हमारी फोर्स आई थी। हम क्या निकाल सकते हैं अब इससे, क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। अब क्या करेंगे सिंपली इसमें एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल आर माइनस का आर डैश मैग्नीट्यूड का होल क्यूब आर माइनस आर डैश वेक्टर। ये क्या आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्या है अब हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन आर ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट की थी हमने, सिग्मा से डिनोट की थी। अब क्या करेंगे हम, हमने फोर्स निकाला था तो हम फोर्स की वैल्यू हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सबसे हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन अप टू, हमारा टोटल एरिया कितना है एस है, सरफेस हमारा एस है, तो क्या इंटीग्रेशन अप टू एस हो जाएगा, सिग्मा डी एस आर माइनस आर डेस्क मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और आर माइनस आर डैश वेक्टर। ये क्या हमारा फोर्स है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा फोर्स अपॉन चार्ज होता है क्यू नॉट होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस आर माइनस आर डैश का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और इसका क्या है इंटीग्रेशन है और आर माइनस आर डैश वैक्टर है। तो ये क्या गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन आर ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी, हमारे टोटल वॉल्यूम कितनी है वी है, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया है रो से डिनोट किया है, तो हमारे इससे फोर्स क्या होगा, हमने फोर्स निकाला हुआ है कूलम लॉ से, तो हमारा फोर्स क्या होगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन अप टू वॉल्यूम वी रो डी एस आर माइनस आर डैस मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर माइनस आर डैस हमारा क्या वेक्टर। ये क्या होगा हमें फोर्स हमने पीछे निकाला है, अब क्या निकालेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो क्या करेंगे क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अप टू वॉल्यूम टोटल वी है हमारी रो डी एस अपॉन आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड का होल क्यूब आर माइनस आर डैश वेक्टर। तो ये क्या आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पढ़ा और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने में क्या फॉलो करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।